हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW के बारे में। तो ये कार है BMW 3 सीरीज और आज के इस वीडियो में आप करने वाला हूँ इस कार की डेट और टाइम सेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार स्टार्ट है इस कंडीशन पे अभी। ओके, तो एक्चुअली इस कार का जब भी हम बैटरी का टर्मिनल खोलते हैं या आपको कभी भी इसका डेट और टाइम सेट करना है तो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। तो BMW में दो तरीके से डेट और टाइम सेट होता है। एक होता है इस BC कंट्रोल बटन से, तो जिस गाड़ी में आई ड्राइव नहीं होता यानी कि स्क्रीन नहीं होता और ये फंक्शनल जो मल्टी फंक्शन ये स्विच है, ये स्विच या ये रेगुलेटर नहीं होता, उस कार में आप उसका डेट और टाइम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जिससे आप हेडलाइट को अपर और डिपर करते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना होता है इस रेगुलेटर की लोकेशन पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके से कुछ इंटरफेस है। तो यहाँ पर ये मेन्यू बटन होता है, तो मेन्यू बटन पर आपको प्रेस करना है एक बार। तो जैसे ही हम इस मेन्यू बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे ये कुछ आपको ये फंक्शन देखने को मिलेंगे, तो जिसमें आप देख सकते हैं CD, मल्टीमीडिया, रेडियो, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट्स, BMW सर्विस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन और सबसे नीचे लास्ट में होता है इसका सेटिंग। तो आपको सबसे नीचे लास्ट में जाना है सेटिंग। ओके, तो इस सेटिंग पे जाने के लिए जो आप ये देख रहे हैं अप और डाउन जो हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये रेगुलेटर इसको घुमाना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सेटिंग की साइड आ जाएगा, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज तो ये अप होगा और नीचे डाउन। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं सेटिंग। तो सिलेक्ट करने के लिए ये रेगुलेटर आपको नीचे पुश करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जैसे इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये कंट्रोल डिस्प्ले आएगी और सेकेंड नंबर पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके, जैसे ही आपने दोबारा से इसको क्लिक करना होगा आई ड्राइव से, इसको क्लिक करने के बाद दोबारा से आप जैसे ही टाइम एंड डेट पे आएंगे तो टाइम इस समय है इसमें 4:37। तो अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो अभी मेरे मोबाइल में हो रहा है 4:58 और संडे 13 जनवरी है आज। तो अभी मैं इसको 4 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 58। ओके, तो हम इसको एक मिनट आगे एडवांस रखते हैं 59 और ये PM। तो टाइम फॉर्मेट हम 12 घंटे का रहने देते हैं, एक होता है 24 घंटे, तो ये हम 12 घंटे का रहने देते हैं। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसकी डेट, तो आज मंथ है जनवरी 1 और ये इसकी डेट, तो यहाँ पर डेट है 13। ओके, और 2019, तो यहाँ से आप इसकी ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो आपको रेगुलेटर पुश करना होता है इस तरीके से। जैसे ही आप पुश करेंगे तो ये इसका जो स्टेप है ये आगे जाता जाएगा। तो ये है डेट फॉर्मेट, मंथ, डेट एंड ईयर। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डेट, मंथ, ईयर। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2019 ये डेट इस तरीके से इसकी रीसेट हो चुकी है। अगर आपको उसके बाद में आपको बैक जाना है तो बैक के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है बैक, आप इसको दबा करके ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको बैक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसका डेट और टाइम सेट करने का एक छोटा सा वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।